बासमती के दाम में लगातार गिरावट जारी है। मंडियों में बासमती धान की बेकदरी से किसानों में भी मायूसी है। 1121 क्वालिटी के भाव इस समय बासमती के मंडियों में कम बिक रहा है। 4000 प्रति क्विंटल से भाव गिरकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जबकि 1121 के भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को मिल रहे हैं। 1718 के भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बासमती को इतने कम भाव पर मंडियों में खरीदा जा रहा है। किसानों को इस सीजन में मोटा धान के अच्छे भाव मिले हैं और बारीकी धान को बेचने में किसानों को ग्राहक नहीं मिल रहे। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले भी इसका एक कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में चावल की मांग कम हो गई है। वहीं बरसात के बाद बुधवार को मंडियों में धान बिकना शुरू हुआ था। बुधवार को बासमती धान 3200 रुपए, तो 1121 का भाव 3500 रुपए, तो 1718 का भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला। किसानों का कहना है कि इस तरह से बासमती के बहुत कम भाव किसानों को मिल रहे हैं। सीजन की शुरुआत में 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पहुंच गए थे, लेकिन दोबारा भाव बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं। इस कारण किसानों को भी प्रति एकड़ 15,000 से 20,000 का नुकसान हो रहा है। किसानों को बासमती धान के अच्छे भाव इस बार सीजन में मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि इस बार मोटे धान के अच्छे भाव मिले थे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते विदेशों में मांग के कम होने से कीमतों पर असर आया है। इस कारण बासमती सहित अन्य सभी किस्मों के फिलहाल खरीदार बाजार में नहीं मिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।